राजेश तिवारी हमारे सामने है, पीठाधीश्वर ब्रह्मेश्वर धाम सरकार। महाराज जी मास्क हटा दें तो अच्छा होगा, एक बार दर्शन कर लेंगे लोग आपके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप अभी पूरी वीडियो देखेंगे। और जैसा बिल्किस बानो के आरोपियों को, हथियारों को रिहा किया गया और उनका खैर मकदम किया गया, उनका स्वागत किया गया फूलों से, बलात्कारियों का, हथियारों का, आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, जिसके अंदर मध्य प्रदेश में खजुराहो थाने में FIR की गई। और ये लवलेश तिवारी एक धाम के एक बाबा, एक महाराजा बताए जाते हैं, 6 महीने पहले इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा और इनको जेल के अंदर डाला गया, 376 इन पर लगी। फिर जो है आप देखिए मुल्क के हालात, देखिए कि मोदी जी जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसका उल्टा नज़र आता होते हुए अब इस वीडियो को आप देखें, किस तरीके से इन बलात्कारियों का स्वागत हमारे मुल्क में किया जा रहा है। ये है नारी सम्मान हमारे मोदी हुकूमत में, नारी सम्मान देखिए, औरतों के साथ इस तरह के मामलात किए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इनके घर के अंदर आगे पीछे कोई नहीं है, ये नहीं जानते औरतों की इज्जत, सिर्फ जबान से कहते हैं और उसका उल्टा ही नजर आता होता हुआ वीडियो को देखिए आप। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी है इसको भी जरूर दबा लीजिए। अब वीडियो देखने के बाद दो चार बात आप जरूर सुनिएगा और अपनी राय भी। बड़े समय जेल के गेट पर आप देख सकते हैं, कुछ ही मिनटों में फूल माला इत्यादि सब लेकर के आए हुए हैं और कुछ ही मिनटों में इस दरवाजे के बाहर होंगे लवलेश तिवारी, जो पीठाधीश्वर हैं, महाराज हैं ब्रह्मेश्वर धाम के। बलात्कार के आरोप में 6 माह पहले 17 फरवरी को इनके विरुद्ध FIR हुई थी खजुराहो थाने में, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें गिरफ्तार करके जिला जेल भेज दिया गया था। 376 बिल्कुल लगा था। नीरू गोस्वामी जी, विलम्ब हो रहा है बार बार, तो अब कैदियों को छोड़ा जा रहा है। तो लवलेश तिवारी महाराज हमारे कैमरे के सामने इस समय है और इन्हें छोड़ दिया गया है। महाराज जी मास्क हटा लीजिए, जरा मास्क हटा लीजिए। पंडित लवलेश तिवारी हमारे सामने है, पीठाधीश्वर ब्रह्मेश्वर धाम सरकार। महाराज जी मास्क हटा दें तो अच्छा होगा, एक बार दर्शन कर लेंगे लोग आपके। ब्रह्मेश्वर धाम की तस्वीरें देख पा रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मेश्वर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर। ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर उनके अनुयायी हैं जो भक्त हैं, फूल मालाएं पहनाकर भाई भारत ले रहे हैं। सीधी देखिए आप लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको महाराज जी, आप छूट गए 6 महीने के बाद, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है तो अब हम बाहर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर है, उनसे बात भी करेंगे। बस आपसे आपने वीडियो देखी है, यही कहना है दो चार लफ्जों के अंदर कि इस मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वो नारी सम्मान की जब भी बात करते हैं, जब भी उसी टाइम पर उन्हीं दिनों के अंदर नारियों का अपमान किया जाता है और बलात्कारियों को इस तरीके से रिहा करके उनके फूल और मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है। ऐसा लगता है ये लोग जो स्वागत कर रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, इनकी न तो बहन है, न बेटी है, न माँ है, न बाप है, ये बिन माँ बाप के, बिन माँ बहनों के होते हैं, जिनके अंदर औरतों की कोई इज्जत नहीं होती है। आप दोस्तों आपसे गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर दो लफ्ज़ ज़रूर लिखें इस वीडियो के बारे में, इस लवलेश तिवारी या मौजूदा हुकूमत के बारे में कि किस तरीके से औरतों के साथ अपमान और अत्याचार किया जा रहा है।